हाय, आई एम प्रेम भाटिया। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट। तो कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट का प्रोसीजर देखने से पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि आखिर ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट को करने का उद्देश्य क्या है। तो हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस का जब वीडियो देखा था उसमें बताया था कि जब मदर आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर में एनटीडी डेवलप होने की संभावना रहती है। तो इस टेस्ट के जरिए हम यही पता करना चाहते हैं कि उसमें एनटीडी डेवलप हुई है या नहीं है, अर्थात इस टेस्ट के द्वारा हम देखेंगे कि मदर में एनटीडी है या नहीं है। तो इसमें हम मदर का जो ब्लड है वो लेंगे और सीरम सेपरेट करके सीरम से टेस्ट लगाएंगे। दूसरी बात, यदि कोई आरएच नेगेटिव व्यक्ति को अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसमें एनटीडी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, इसका पता करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो इसी एनटीडी का पता करने के लिए या कोई दूसरी एंटीबॉडी है उसका पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो चलिए अब इसका हम प्रिंसिपल देखने के बाद प्रोसीजर देख लेते हैं। तो चलिए, टेस्ट लगाने के लिए हमें लेनी है 3 ग्लास की टेस्ट ट्यूब, और इन टेस्ट ट्यूब को जो पहली ट्यूब है उसको हम मार्क करेंगे टी से, टी फॉर टेस्ट, ये पेशेंट के लिए है। सेकेंड ट्यूब को हम मार्क करेंगे पी सी यानी पॉजिटिव कंट्रोल के रूप में, और थर्ड ट्यूब को हम मार्क करेंगे एन सी नेगेटिव कंट्रोल के रूप में। ठीक है, तीनों ट्यूब ले ली है। अब जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें हमें लेना है पेशेंट का सीरम की 2 ड्रॉप, ये मदर का ब्लड है या पेशेंट का ब्लड है जिसमें हमें टेस्ट करना है, तो उस पेशेंट का 2 ड्रॉप हमें सीरम लेना है फर्स्ट ट्यूब में। ठीक है, और जो सेकेंड ट्यूब है उसमें एनटीडी डालना है 1 ड्रॉप, ये पॉजिटिव कंट्रोल के रूप में है। ठीक है, और जो थर्ड ट्यूब है नेगेटिव कंट्रोल के रूप में, उसमें हमें डालना है 1 ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन या एनएस, ये नेगेटिव कंट्रोल के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों ट्यूब में कुछ ना कुछ आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जो सभी 3 ट्यूब है उसमें एक एक ड्रॉप 5% पूल्ड ओ पॉजिटिव सेल सस्पेंशन का डालना है। इसका वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, इसको कैसे बनाया जाता है पूल्ड ओ पॉजिटिव सेल, उसकी एक एक ड्रॉप हमें डालनी है, आप देख सकते हैं। और अब क्या करना है कि इन तीनों ट्यूब को हमें इनक्यूबेट करना है 37 डिग्री टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए। जब इनक्यूबेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। 1 घंटे बाद जब इनक्यूबेट हो जाएगा अब इसको हम वॉश करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है, जो रिएक्शन होनी थी वो हो गई है, जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी होगी है जब हम इसको वॉश करेंगे तो वो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगी, और जब हम कूम्स सीरा डालेंगे तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब हम तीनों ट्यूब को 3/4 एनएस से भर लेंगे और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और जो सुप्रीनेंट बचेगा उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, फिर वापस एनएस डालेंगे और वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सुप्रीनेंट डिस्कार्ड कर लेंगे, और जो सेडिमेंटेड रेड सेल है उसको हम इस प्रकार से वॉश करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करना है। तो आप जब इसको इनक्यूबेट करेंगे, इनक्यूबेट के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज हमें कम रेट पे करना है और 1-2 मिनट के लिए काफ़ी होगा। अगर प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो तो आप 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। तो फाइनल वॉशिंग हो चुकी है, ये देखिए ये नीचे बटन दिख रहा है, और इसको जो सुपरिनटेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। ये फर्स्ट ट्यूब है टेस्ट या पेशेंट की, सेकेंड ट्यूब है पॉजिटिव कंट्रोल, इसको सुपरिनेंट को डिस्कार्ड कर लेंगे, और जो थर्ड ट्यूब है उसको भी हम इस प्रकार से सुपरिनेंट को डिस्कार्ड करेंगे, और सेडिमेंटेड रेड सेल है उसको हम रख लेंगे। अब क्या करना है, इन सेल को रिसस्पेंड करने के बाद 1 ड्रॉप कूम्स सीरा डालेंगे, सभी तीनों ट्यूब में 1-1 ड्रॉप कूम्स सीरा डालेंगे, ये टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये 2-2 ड्रॉप डालेंगे पॉजिटिव कंट्रोल में और 2 नेगेटिव कंट्रोल में, अर्थात प्रत्येक में 2-2 ड्रॉप कूम्स सिरा के डालेंगे। अब इन कूम्स सिरा को हम 5 मिनट के लिए रख लेंगे इनक्यूबेट होने के लिए, और उसके बाद वापस हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पे 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको हम पहले 5 मिनट के लिए रख लेंगे इनक्यूबेट करने के लिए, और उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पे 1 मिनट के लिए। जब सेंट्रीफ्यूज होकर आ जाएगा तब हम इसको देख लेंगे कि जो एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं है। अगर एग्लूटिनेशन हुआ है तो वो पॉजिटिव टेस्ट कहलाया जाएगा, और अगर एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ है तो नेगेटिव कहलाया जाएगा। तो हम माइक्रोस्कोप में देखने के लिए
तीनों को स्लाइड पे ले लेंगे। फर्स्ट ट्यूब जो टेस्ट है, सेकंड पॉजिटिव कंट्रोल और थर्ड ट्यूब नेगेटिव कंट्रोल। तो सबका हम इस जो सेल्स है उसको बटन को रिसस्पेंड करके इस स्लाइड पे डालेंगे और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि एग्लूटिनेशन शो हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम कंट्रोल को चेक करेंगे, अगर कंट्रोल सही है तभी हम नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसको देखेंगे, अगर कंट्रोल सही नहीं आ रहा है तो हम रिजल्ट को नहीं देखेंगे, वापस टेस्ट करेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव कंट्रोल को देख लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये रिसस्पेंड होने के बाद जो इसमें एग्लूटिनेशन है देख रहे हैं, तो एग्लूटिनेशन हुआ है, अर्थात जो पॉजिटिव कंट्रोल पॉजिटिव शो कर रहा है, अर्थात ये जो हमने टेस्ट लगाया है वो सही है। इसी प्रकार हम जो नेगेटिव कंट्रोल है उसको भी चेक कर लेंगे। नेगेटिव कंट्रोल में जो सेल्स है वो अलग अलग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव कंट्रोल में ये सेल्स अलग अलग है और ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही है। अब हम ये पेशेंट का देखते हैं, पेशेंट की स्लाइड लगा के देखते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव के संबंधित होगा तो वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव से संबंध रखता है तो नेगेटिव होगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये कोई भी एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ है, तो इस टेस्ट को हम कहेंगे कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई भी एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा है माइक्रोस्कोपी में अच्छी तरीके से देखने के बाद भी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।